ओ गड्डियां ऊंचियां रखियां मैनू बाली ही जचदी बेल्ट तू पाया जट्टा ने कोड़े। तो गाइस अभी आपने जो रील को देखा था आप सभी जानते हैं कि भाई ये रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना दी हैं। तो ये वीडियो मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है एक फीमेल सब्सक्राइबर की, तो उनके नाम पर हमने यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट की है। तो भाई आप लोग भी जा करके देखना, और अगर आपको अपने नेम पर चाहिए रील ठीक है तो मुझे बताना, मैं उस पर एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल लेकर के आऊंगा विद इफेक्ट के साथ। फिलहाल आप इस वाली रील को देखो एंड इसको कैसे करके बनाना है वो सीखो एंड आप लोग भी बनाओ ठीक है। बहुत वायरल हो रही है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, हमारी वीडियो भी अच्छी चल गई है, तो आप देखो एंड एंजॉय करो ओके। तो उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है बहुत ओके। चलो देख, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, और यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। पहला एप्लीकेशन है बी एन ऐप ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, आई होप आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा। उसके बाद सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है सुपर बी पी एन। मैं जो बता रहा हूँ बस सेम टू सेम वही करते रहिए, यहाँ पर आपकी बहुत तगड़ी रील बनेगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको फ्री वीपीएन यहाँ पर मिलेगा, इसको कनेक्ट पर क्लिक करना एंड ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन दूंगा मैं कैपकट का, आई थिंक आपके पास कैपकट एप्लीकेशन होगा, अगर नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक आर्टिकल का लिंक दिया है, आप उस पर आएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा डाउनलोड कैपकट, आपको बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने का दीवाला पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड वाले बटन पर ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको वापस आना है, और वापस आने के बाद यहाँ पर मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं जो बहुत ट्रेंडिंग में है। तो पहली पिक्चर ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, तो आप लोग कोई भी चाहें उस फोटो को ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस वाली फोटो पर राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। इस तरीके से आप लोग कोई भी पिक्चर को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर मैं आपको एक फॉन्ट दूंगा, तो यहां पर आपको डाउनलोड फॉन्ट वाले बटन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर लेना है, और यहां पर देखो एक बटन देखेगा डाउनलोड वाला ठीक है, इस पर आप सबको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहां पर इसको डाउनलोड कर लेना है। फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में, यहां पर आप लोग डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे एंड ये रहा आपका अर्बन जंगल फॉन्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखो कॉर्नर में 3 डॉट देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है ठीक है। एक्सट्रैक्ट टू अ पेरेंट फोल्डर या सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करोगे, ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्लस वाला आइकन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी नाम दे दो, जैसे कि मैं देता हूँ अर्बन जंगल वन ठीक है, ये मैं यहाँ 2 देता हूँ, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अब बस हमें एडिटिंग का काम करना है। अब आपको अपना कैपकट ओपन करना है। कैपकट ओपन करने के बाद मैंने जो पिक्चर यहाँ पर डाउनलोड करी थी मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये पिक्चर आ जाएगी। अब यहाँ से आप लोग इसका साइज जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, मैं मैक्सिमम 10 सेकेंड तक का रखूंगा एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा टेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये नाम मैंने यहाँ पर लिखा साहिबा ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेंगे, जैसा आपको इंक्रीज करना है राइट पर क्लिक कीजिए। अब इस पर एक बार डबल टैप कीजिए और यहाँ पर देखो फॉन्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखिएगा ऐड फॉन्ट वाला बटन, इस पर क्लिक करना है, यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, अपलोड फाइल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन पर, और यहाँ पर आपने जो भी फोल्डर बनाया होगा उस फोल्डर के अंदर आपको चले जाना है। जैसे कि मैंने तो भाई बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, हम जाते हैं यहाँ पर, ये देखो मैंने बनाया था अर्बन जंगल 2 के नेम से, इस पर हमें क्लिक करना है, अर्बन जंगल पर क्लिक करना है और इस थर्ड वाली फाइल को हमें सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट किया, ये अंदर आ जाएगा। अब इस वाले फॉन्ट को चूज़ कर लेना है, ये फॉन्ट आपका यहाँ पर आ ही जाएगा ठीक है। ये सब घिसपिच हो गई, हटा दूँ, ये वाला फॉन्ट देखो यहाँ पर आ चुका है ठीक है। इस पर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा एडजस्ट करो, जैसे मैं इसको यहाँ पर लेकर के आऊँगा, अब देखो ये कितना तगड़ा लग रहा है, हो गया। बस इतना ही काम आप सभी को करना है और कुछ नहीं करना, बस इसको क्या करना है लास्ट तक आप लोग ऐड कर लो, खींच लो इसको इतना पूरा, इतना काम हो गया। ऊपर यहाँ पर इस पर क्लिक करो एंड इसको एक्सपोर्ट मारो ठीक है ना। तो हम यूज़ करेंगे बीएन का, क्योंकि बीएन में अच्छा मुझे सही लगता है, थोड़ा बीएन को ओपन करना है। अब जो आपने यहाँ पर रील बनाई है 10 सेकंड की,
उसको हमें थोड़ा एडिट करना है, ठीक है। तो स्किप करते हैं, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ये सब तो आप सभी को बेसिकली चीज़ें आता ही होगा। इस नाम को टैप कर लेते हैं और इसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। अब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक म्यूज़िक दिया है, कौन सा म्यूज़िक है अभी दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, म्यूज़िक पर क्लिक करते हैं, माई म्यूज़िक पर चलते हैं, ये वाला, ठीक ठीक। अब क्या करना है आपको, अपनी बीट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सही करना है, एडजस्ट करना है। जैसे कि देखो फर्स्ट बीट आ रही है हमारी यहाँ पर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब क्या करना है, इसके आगे हमें एक इफेक्ट ऐड करना है। एफएक्स पर गए, यहाँ से हम ये वाला इफेक्ट ले लेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पर शुरू में हमें क्या करना है, थोड़ा ब्लिंक टाइप से करना है, तो हम ये थोड़ा इस तरीके से करेंगे, थोड़ा करना है हमें, ज़्यादा नहीं करना, ठीक। तो ये देखो, ठीक है, अगर ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो ये इफेक्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, देख लो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको बीट दिख रही है, जैसे कि एक बीट यहाँ पर आ रही है तो इसको स्प्लिट किया, उसके बाद जहाँ जहाँ बीट आ रही है आप उसको देखते रहो, यहाँ पर स्प्लिट किया, उसके बाद एक बीट यहाँ आ रही है, यहाँ स्प्लिट किया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको लग रही है बीट आ रही है वहाँ पर स्प्लिट करना है, और इफेक्ट पर आकर के अपने अकॉर्डिंग जो बढ़िया से इफेक्ट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग उसको सेट कर लो। मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ एटा एग्जाम्पल के लिए, ठीक, यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। तो ये लगभग रेडी हो चुके होगा, देख लेते हैं, ठीक है। पूरा सॉन्ग तो नहीं सुना सकता फिलहाल, इतना देख लीजिए। तो ये पूरी आपकी रील कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको क्लिक करो, यहाँ से एक्सपोर्ट मारो, और इसको अपने इंस्टाग्राम पर जहाँ आपको अपलोड करना है वहाँ अपलोड करो। एंड आई होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, तो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करना, ठीक है। तब और हाँ, सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलो बाय, टाटा।